केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सुर्खियों में बना हुआ है। उन्होंने अपने बयान में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान मुलायम सिंह यादव को याद किया। दरअसल लखनऊ में केंद्रीय मंत्री ने ई रिक्शा शुरू करने के अपने प्रयास की याद दिलाते हुए सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के हवाले से कहा कि लोहिया ने कहा था कि वह जिंदगी भर साइकिल रिक्शा में नहीं बैठेंगे क्योंकि आदमी आदमी को खींचता है। गडकरी ने कहा कि 1 करोड़ आदमी किसी दूसरे आदमी को ढूंढने का काम करता था और इनमें से 90% लोग अब ई रिक्शा चला रहे हैं और कम से कम रोज 1000 रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने देश की समानवीय प्रथा के बंद होने पर खुशी जताई। मुझे बहुत बार याद है आज मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में कहा था कि राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि मैं जिंदगी भर ये साइकिल रिक्शा में नहीं बैठूंगा, आदमी आदमी को ढोने का काम करता है। और ये बिल मैंने पास किया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चली। 1 करोड़ लोग आदमी को आदमी ढोने का काम करता था और ये ई रिक्शा आया, 1 करोड़ लोगों में से लगभग 90% लोग अब ई रिक्शा चला रहे हैं और कम से कम रोज के 1000 रुपए कमा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इस देश की ये अमानवीय प्रथा बंद हुई, अब ई कार्ड आया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सब्जी के लिए, गेहूं के लिए, चावल के लिए, सब के लिए जितना ट्रांसपोर्ट होता है, अब ये ई रिक्शा भी मेरे यहां सब्जी होती है। मैंने अभी एक 600 किलो की रिक्शा ली, मेरी पत्नी खेती देखती है, रोज मेरे घर से वो ऑर्गेनिक सब्जी नागपुर में आती है, वो ई रिक्शा में आती है, ई कार्ड में। उसका खर्चा नहीं के बराबर है। इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसका खर्चा नहीं के बराबर है। पेट्रोल की तुलना में 10% उसका खर्चा है और रात को घर में लगा दो सुबह चार्ज हो जाएगा। तो आप ये भी पॉलिसी बनाइए जिसके कारण बड़े प्रमाण पर रोजगार निर्माण होगा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री के इस बयान का वीडियो शेयर करते हुए शिवपाल यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए ऐसी राजनीति को ही असली लोकतंत्र बताया। शिवपाल यादव ने लिखा, लोहिया जी और नेताजी के विचार सदियों तक दुनिया को स्पंदित करते रहेंगे। वाकई ऐसे थे लोहिया और हमारे नेताजी। आभार गडकरी जी, यही असली लोकतंत्र है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने नितिन गडकरी को टैग भी किया। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के दूसरे दिन ई मोबिलिटी व्हीकल्स एंड फ्यूचर मोबिलिटी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित किया। उन्होंने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस के मद में हमारे यहाँ 16 लाख करोड़ रुपए का आयात होता है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था से 16 लाख करोड़ रुपए बाहर जा रहे हैं। अब हमको ऊर्जा का आयात करने वाला नहीं, ऊर्जा का निर्यात करने वाला देश बनना है।